हेलो राम, मैं बोल रही हूँ, ज्योति। हेलो ज्योति, बोल रही हूँ। राम, तुम सुन रहे हो ना? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। बोलो ज्योति। तुमने बहुत बड़ा धोखा दिया। उस दिन छुट्टी लेकर आने को कहा था, पर तुम आए क्यों नहीं? मुझे तुम पे ना बहुत गुस्सा आया। मैं अभी गांव पहुंची हूँ। तुम मेरी शादी में आ रहे हो ना? देखो, बिजी हो, छुट्टी नहीं मिल रही या बॉस छुट्टी नहीं दे रहा है, ये सब बहाने मत बताना। शादी के 2 दिन पहले तुम्हें घर पहुंचना है। मैं नहीं आ सकता ज्योति, काम के सिलसिले में मैं गोवा जा रहा हूँ। उस वक्त शायद वहाँ रहूंगा मैं। प्लीज राम, हम इतने अच्छे दोस्त हैं। तुम मेरी लाइफ के सबसे अच्छे इंसान हो। हमने अच्छा वक्त बिताया है राम, तुम्हें आना ही पड़ेगा। राम, फिलहाल तुम ऐसी हो, बाद में बदल जाओगी। मेरे आने का कोई रास्ता ही नहीं होगा फिर। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? राम, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे बॉस से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। मैं नहीं आ पाऊंगा ज्योति। चाहे कुछ भी हो, 2 दिन के लिए तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा। फिलहाल तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बाय। ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। लेकिन राम, ये लड़की बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करने वाली है। इसमें है ईगो। हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, तुम यहां क्या कर रहे हो? ए, कुछ नहीं। ऑफिस में फोन किया था तो वो लोग बोले कि तुम छुट्टी पर हो। क्यों ली तुमने छुट्टी? छुट्टी छुट्टी लेने का दिल किया, इसलिए छुट्टी ली मैंने। रामू, मेरा ही रूट नहीं, तुम्हारा भी रूट है, ये नहीं चाहिए बेटा। सही रूट नहीं है वो। मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा हादसा हुआ था जिसमें मेरा 4 साल बर्बाद हो गया। बहुत सोचा पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भी मैं हारा नहीं। शादी नहीं करने का मैंने मन में ठान ली थी। अब देखो, बिना शादी किए मेरी उम्र भी पार हो गई। वैसे तुम्हारा ना हो, इसीलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ। तुम्हारे केस में उस लड़की को ये नहीं पता कि तुम उससे प्यार करते हो। तो क्या पॉल भाई, आपके जैसा फैसला लेने वाला हूँ मैं? अगर ऐसा नहीं है तो तुम छुट्टी लेकर यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तुम भी मेरे रास्ते पर चलोगे क्या? सुबह वो तुमसे बात करना चाहती थी, तुमसे बात नहीं हो पाई तो उसने मुझे फ़ोन किया। शादी के लिए बुलावा भेजा है, हमें जाना होगा। ये तो कहानी है। प्यार व्यार कुछ नहीं है, बस शादी करके उसके गले में मंगलसूत्र डाल दूं, ये देखने जाऊं मैं? हाँ, वो मैं बताता हूँ। तुम्हारे जैसे आदमी को समझाने के लिए ये पॉल तुमसे ज्यादा तजुर्बा रखता है। मैं तुम्हें समझाऊंगा। तुम्हारे साथ थोड़े दिन के लिए हंसी मजाक करके दिन गुजारा था उसने। ये जो यादें हैं ना, वो ठीक नहीं है। किसी और के नाम का मंगलसूत्र पहनी हुई ज्योति को तुम देख सकते हो? आगे जाकर जब तुम याद करोगे तो वही तस्वीर तुम्हारे दिल में होगी। जितनी जल्दी हो सके उसे अपने दिल की बात बता दो, समझे? यही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। पॉल भाई, मैं कुछ मत बोलो। अगर पॉल भाई को दिल से मानते हो तो उसकी बात भी सुनो। हम शादी में जरूर जाएंगे, इसी में तुम्हारी भलाई है, समझ गए तुम? ये तो आ गए। आ गए। अरे आने वाला था तो फोन करके बता देता ना। तुम लोग ट्रेन को छोड़ के कार से आए हो? अरे हम लोग 4 लोग हैं, फ्लाइट का टिकट महंगी थी इसलिए कार में आ गए। अब खुशी की बात है, अभी भी पैसे के मामले में बहुत खरे हो तुम। अरे इसके पापा इसे कंजूस नाम से बुलाते थे, पता है ना तुम लोगों को, जानते हो ना? अब आओ। हाय आंटी। ये लो, मिल लो। कैसी हो? अच्छी हूँ। आओ चलो हम लोग अंदर बैठ के बात करते हैं। लक्ष्मी की शादी में तुम आई नहीं ना,
मिल लो इससे, ये राजीव है उसका हस्बैंड। हेलो लुफ्तांसा। हाँ अभी भी याद है अंकल, मैं याद हूँ या भूल गए? लक्ष्मी तुम पतली हो गई हो क्या, डाइट कर रही हो क्या? अरे जवानी की उम्र में बहुत मोटी थी इसकी तरह। ओ, कुछ भी। आंटी मुझे आपसे बात करनी। हम बाद में बात करेंगे, इन्हें कमरे में लेकर जाओ। हाँ जाओ। आई आंटी। शाम को 5 बजे के पहले पहुंचना है मैं वहाँ पर। एक मिनट रुको। अच्छा है ना दीदी, मद्रास से कोई आया है। मद्रास से कहाँ है? वो लोग बाहर बैठे हैं। राम, हाय राम, हाय, बाद में मिलती हूँ। थैंक गॉड, मैं तो उस दिन बहुत ही डर गई थी। उस दिन जब फोन पर तुमसे बात कर रही थी मुझे लगा तुम नहीं आओगे। राम अगर तुम नहीं आते तो मैं तुमसे बहुत नाराज हो जाती। थैंक्स अ लॉट। चलो चलो अंदर चलते हैं। तुम कैसे आए हो, ट्रेन या बस से? ट्रेन से। ओह हमारी पुरानी ट्रेन। हाँ। ये हमारी कुसुम ताई की बेटी है। हेलो। राम एक रिक्वेस्ट है, मेरी शादी होने के बाद इसके लिए भी एक लड़का चाहिए। तुम्हारी पहचान में हो तो जरूर बताना। चुप हो दीदी। आ जाओ। बहुत पुराना घर है, शायद तुम्हें यहाँ परेशानी हो। ऐसा नहीं है। राम क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पे तो खुशी ही नहीं है, सफर की थकावट है? ऐसा कुछ नहीं है। नो 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 नो, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो बोलो ना राम। कुछ भी हो अब मैं टेंशन क्यों लूं? चलो तुम लोग फ्रेश हो जाओ, फिर बाद में बात करते हैं। ओके? हाँ ठीक है, मैं बोलती हूँ। हाँ ज्योति आ गई। ज्योति कौन? डॉक्टर अंकल। अरे मैंने बोल दिया है, नहीं तुम बात कर लो। हेलो, हाय अंकल, या आई एम फाइन। मैं ज्योति का पिता हूँ, तुम मुझे विश्वनाथ बुला सकते हो। राम कुमार। हाँ ज्योति ने बताया, बैठो। सुबह मैं आप लोगों से मिल नहीं पाया था तो सोचा अभी जाकर मिल लेता हूँ। कुछ भी कहो, मेरी बेटी की शादी में मद्रास से इतनी दूर आए हो इस बात की खुशी है। बेटी की शादी पहले होने वाली थी पर इसकी माँ गुजर गई, उसको बड़ा धक्का लगा था। मैंने सोचा कि साधारण मामला है, उसे बचाने के लिए बहुत तकलीफ उठाई है, उसे मलेरिया और ब्रेन हैमरेज हो गया था। हमारे जैसे लोग रस्म के खिलाफ जाएं तो जीना मुश्किल हो जाता है। उसकी बात करेंगे तो शुरू से लेकर बटन बंद करने तक का ख्याल रखना पड़ता है हमें। जिसकी बीवी भी नहीं है उसके ऊपर क्या बीतती है आप सोच सकते हैं। और ज्योति के बाद एक बेटी और भी है मेरी। हम लोग मिल सकते हैं? हाँ, अब फिर इसके भी एक अच्छे लड़के से शादी हो जाए तो फिर मैं आराम से भगवान के पास जा सकता हूँ। अच्छा आप लोग बैठो, मैं कुछ अरेंजमेंट के लिए जाता हूँ। हाँ मैं आर्मी वाला हूँ, इसके लिए हिचको मत, अगर सोने से पहले थोड़ा चाहिए तो। वो सब नहीं चाहिए सर। शर्माना मत। हाँ नहीं, नहीं, नहीं। 5 बजे से पहले हमें वहाँ पहुँचना होगा। आज शादी का मंडप दूर है ना, आज रात को नाच गाना सब होगा वहाँ पर। अरे धूम मचाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे और वहीं पर जाके करेंगे। और क्या रखा है जिंदगी में? अरे छोड़ो छोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसने पहली बार पिया है इसलिए ऐसा हो रहा है। आप लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। कुछ नहीं, मेरा पैर फिसल गया था। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्यों बेकार में काम पर लग जाते हो, और कुछ भी तकलीफ होने दो इंसान को, झेलना पड़ता है। अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसे पकड़ो। अरे इंसान ऐसे फिसल ही जाता है कभी कभी, जिंदगी में पहली बार यहाँ कर गिरा है, वो भी पैर फिसल गया। पॉल भाई आप चुप रहो। अरे मैंने कुछ गलत बोला क्या? तुम ठीक तो हो ना? कल की शादी में इसे बहुत दुख होने वाला है, और क्या बचा है इसकी जिंदगी में। जान से ज्यादा प्यार करने वाली लड़की किसी और के साथ शादी कर रही है, अब इसकी दिल की तकलीफ कौन समझेगा। अरे मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? पॉल भाई आप इधर आओ। अरे मुझे बोलने दो। तुम जरा चुप रहो। बोलने तो दो। तुम्हें जबरदस्ती यहाँ बुलाकर मैं क्यों लेकर आया हूँ? ज्योति के गले में कोई और मंगलसूत्र पहना रहा है इस फोटो को दिखाने के लिए। ना तुम उसे भूल सकते हो और ना उसे दिल से निकाल सकते हो। क्या कहा? मैंने कुछ गलत बोला क्या? बोलिए। अरे भाई मैंने बोला था। अरे उन्हें बोलने दो, हमें भी तो पता चले कि बात क्या है। अरे मेरे प्यारे सर, खास करके जानने वाली कोई बात ऐसा नहीं है। ये और वो मियां बीबी जैसा एक फ्लैट में रहते थे, शादी की बात करके वो यहाँ आ गई और इसका दिल टूट गया, और इतने दूर ये उसकी शादी में आया है। जब रानी मेरी जिंदगी से चली गई थी तब मैं ऐसे ही टूटा था, बहुत पिया था और मैं फिसला भी था, आज जैसे ये फिसल गया। अरे आप लोग गाना क्यों बंद कर दिए, सेलिब्रेट कीजिए सेलिब्रेट कीजिए। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला ना? अरे आप आगे से मेरी बेटी के बारे में कोई अपशब्द बोला ना तू, मैं ब्लडी। पापा
इसने जो कुछ बोला है वो सच है क्या? क्या पापा? तुम लोग एक साथ रहते थे क्या? कुछ पूछ रहा हूँ। पिताजी, वहाँ रहने के लिए इतनी आसानी से जगह नहीं मिली तो हम एक साथ रहने लगे। अरे मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, एक अच्छी लड़की देखकर सगाई करो। आंटी बिहेव योरसेल्फ, बेकार की बहस मत करो, सबको अपनी अपनी जिंदगी के बारे में सोचने की आजादी। आजकल आजादी ज्यादा ही हो गई है। तो फिर तुम लोगों ने आगे पीछे सोचे बिना शादी क्यों फिक्स कर ली? बेटी, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। पिताजी, ये बस एक दुर्घटना है और कुछ भी नहीं। विश्वनाथन, एक अनजान आदमी के साथ रहने वाली लड़की को तुम मेरे बेटे के गले में बांधने के लिए सोच रहे थे ना? पिताजी, सुना। अरे विश्वनाथ, ही इज ऑल राइट, इसका मतलब खतरे से बाहर नहीं है। He is under observation. कौन है उनकी बेटी ज्योति? एक मिनट आइए, वो तुमसे कुछ बोलना चाहते हैं। मद्रास से तुम्हारा कोई फ्रेंड आया है क्या? उसी के बारे में बात करना चाहते हैं। अच्छा, पिताजी को ज्यादा इमोशनल मत करना। आई थिंक यू नो द रीजन। यस डॉक्टर। जो भी इज्जतदार बाप होता है वो ये सब सह नहीं सकता। 30 साल की सर्विस में मेरी, मैं एक कर्नल था वहाँ पर, और परिवार की इज्जत एक मिनट में आज सब खत्म हो गया। पिताजी मेरी बात पे विश्वास कीजिए, हम लोग एक साथ एक फ्लैट में ज़रूर रहा करते थे, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कोई संबंध नहीं है। मैं भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ क्या तुम सभी लोगों को भरोसा दिला सकती हो? फिर भी मैं उनके हाथ पैर जोड़कर जैसे भी होगा मैं उन्हें शादी के लिए तैयार कर भी लूँ, इस मुहूर्त पे तुम्हारी शादी करा भी दूँ, तो वो लोग मानेंगे क्या? माँ का साया नहीं है, पिता के साये में पली लड़की है, इसलिए इज्जत की परवाह नहीं करती। इससे मुझे तकलीफ हो रही है। तुमसे भी एक छोटी बहन है तुम्हारी, याद है ना? अब मुझे क्या करना चाहिए पिताजी? उस आदमी ने जो भी बोला क्या वो सच है? क्या तुम्हारे दिल में मेरी बेटी के लिए प्यार है? मुझे सच्चाई बताओ। कल मैं उसी मुहूर्त में तुम दोनों की शादी करा दूंगा, यही एक तरीका है। पिताजी, मैं उन्हें संभाल लूंगा। मेरे कहने के मुताबिक तुम शादी के लिए राजी हो गई हो मेरी बेटी, मैं ऐसा कहकर उन्हें समझा दूंगा कि तुम इससे शादी करना चाहती हो। मैं देख लूंगा सब, यही मेरा फैसला होगा।